इतनी ठंड है, इतनी लकड़ रखी गई है यहाँ पे धूप सेकने के लिए, और धूप वैसे भी बहुत अच्छी है। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह ऐसे। सो आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। आज जयपुर से वापस जाने वाले अपनी घर की तरफ, मौसम थोड़ा ठंडा है इसलिए रात को अच्छी नींद नहीं आई है, सॉरी। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम वापस के लिए, जयपुर के लिए। जयपुर में ऐसे तो मैं पहले घूमा हुआ हूँ, बहुत पहले छोटा था तब मैं एक बार घूमा हुआ हूँ जयपुर, बट मेरे को हवा महल जो है वो बाहर से देख के जाना है। बाकी एक ट्रिप और बनाऊँगा जिसमें सिर्फ एक छोटा दो तीन दिन के लिए सिर्फ जयपुर कवर करके देखें। सो अभी सब कुछ अच्छा चंगा है, भला चंगा है, अभी चलते हैं फटाफट से सामान पैक करते हैं। सामान वैसे तो पैक हो गया लेकिन नीचे रखना है, उसको बुलाता हूँ, सामान नीचे ले जाते हैं, फटाफट से निकलते हैं बाहर, जाके कुछ खाएंगे, पराठा पराठा खा के फिर सीधा दिल्ली बिना नॉन स्टॉप बिना पैर नीचे लगाए। आज मेरी डेस्टिनेशन यही है, जयपुर से जैसे मैं निकलूँगा मैं एक भी स्टॉप नहीं लूँगा, 250 किलोमीटर नॉन स्टॉप मैं दिल्ली जाऊँगा, जो भी हो जाए जाऊँगा जाऊँगा 110% जाऊँगा। चलो चलते हैं फटाफट से। सो सामान की पैकिंग हो गई है, अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। तो यहाँ से अभी टाइम हुआ है करीब 9:15 और हम निकले हैं जयपुर से। यहाँ का बस एक हवा महल से बाहर से नज़र मारनी है, क्योंकि डिटेल में एक कभी और आएंगे एक बार विज़िट करने, क्योंकि ये तो जयपुर पास में ही है, कभी भी आ सकते हैं। सो डिटेल में कभी और, आज बस बाहर से विज़िट करके जाएंगे। चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैं रहा था लेकिन मुझे खास नहीं लगा इसलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं। फाइनली जयपुर से निकल गए हैं और अभी बस हवा महल जाके वहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। सो बेसिकली होता पता क्या है कि देखो जब रोड ट्रिप स्टार्ट होती है ना तो दिल करता है यार फटाफट डेस्टिनेशन पे पहुँचे, और जब लास्ट के दो दिन होते हैं ना तब दिल करता है यार चल यार घर पहुँचे। तो इसलिए मुझे घर जाने की बहुत जल्दी है, बट मुझे ना मेरे माइंड में रह जाएगा एक बार हवा महल पर नज़र मारनी है मेरे को। चलो चलते हैं आगे जाके आपसे बात करें। यहाँ के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ जो मैंने कल पढ़ी, बेसिकली था क्या कि जिस टाइम पे ये जयपुर पहले इस जगह का ना नॉर्मल अलग कलर होता था, नॉर्मल होती थी बाकी जगहों की तरह, लेकिन यहाँ पे एक ब्रिटिश रानी ने आना था जिस वजह से यहाँ के राजा ने, राजा का एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, राजा ने यहाँ पे उनकी स्वागत के लिए पूरी सिटी को पिंक कलर में कर दिया। सो ये यहाँ की एक पॉइंट था जिसके बाद इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। सो राजा का नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में नहीं वीडियो पे ही डाल दिया जाएगा। सो ये है जयपुर का हवा महल, जिसको इसके बारे में ये है कि काफ़ी सारी इतनी सारी विंडोज़ है इसमें कि हर तरफ से हवा आ जाती है इसमें, कुछ ऐसा है। सो एक काम करते हो फटाफट एक फ़ोटो कैप्चर करते हो और हम निकलते हैं आगे की तरफ दिल्ली की तरफ। कुछ फोटोग्राफ क्लिक कर लिए हैं, थंबनेल ले लिया है, यहाँ से निकलते हैं दिल्ली के लिए, चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। मैं चाहता दिल्ली में यहाँ पे एक दिन और बिता के यहाँ पे भी घूम लेता, लेकिन नहीं, यहाँ के लिए मैं अलग से एक ट्रिप बनाऊंगा जो दो दिन के बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ और अजमेर दोनों पास पास में हैं और वो दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। सो ये और अजमेर मैं एक साथ करूंगा, लेट्स सी, देखते हैं कि कब का प्लान करते हैं, अभी तो थोड़ा टाइम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करेंगी उसके बाद। व्यू काफ़ी अच्छा है ये, एक ना बड़ा अच्छा शॉट लेने की मेरे को आदत पड़ चुकी है यहाँ पे, वो शॉट मैं लेना चाहता था लेकिन इस वक्त नहीं ले सकते, इतनी फुर्सत नहीं है। जो देखो मैं ये एक पुराना शॉट दिखाता हूँ, मैंने लिया था ये शॉट, बड़ा प्यारा लगता है मुझे ये, देखो
ये शॉट आए तो क्या जबरदस्त लगेगा, मजेदार। ओह माय गॉड, ये जयपुर का ट्रैफिक, इट टुक मी 1 आवर, 1 घंटा लग गया मुझे जयपुर से बाहर आने में। मेन सिटी से बाहर आने में 1 घंटा, बाप रे। मुझे तो लगा था खुल्ला डुल्ला होगा, इतना ट्रैफिक नहीं होगा, ये तो बहुत जाम था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस यहाँ कहीं रुक के एक बार पेट्रोल रिफिल करवा लेंगे, उसके बाद हम सीधा दिल्ली में मिलेंगे। बीच में कोई स्टॉप नहीं, कुछ नहीं। करीब 100 किलोमीटर, और ये जो पीछे साइड में ट्रक आ रहा है ना, इसने बहुत परेशान किया हुआ। क्या है कि इसके अंदर कोई पत्थर पड़े हुए हैं, अब वो साइड से पत्थर गिरी जा रहे हैं कंटिन्यूसली गिरी जा रहे हैं, जिस वजह से वो हल्के हल्के पैरों पे लगी जा रहे हैं। तो अब वो साइड पे हटा है, पीछे हो गया है, और हम निकलने लगे हैं। भूख बहुत तेज लगी है, लेकिन मेरे को रुकना नहीं है, मैंने दिल्ली पहुँचना है जल्दी से दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर हम अंबाला वाली साइड से कभी आ रहे होते हैं, तो जैसे ही हमें सुखदेव दिखता है, हम समझ जाते हैं कि हमारा घर आने वाला है। सो इस रूट के लिए जैसे ही हमें मन्नत की हवेली दिखती है, मतलब मन्नत दिखता है, हमें लगता है कि हमारा घर आने वाला है। तो मन्नत आ गया है, यहाँ से करीब हमारा घर होगा करीब 60 किलोमीटर, हाँ 60 किलोमीटर होगा। तो 60 किलोमीटर फटाफट पहुंच जाएंगे और आराम से जाके रेस्ट करेंगे। जैसे जैसे डेली पास आ रही है ना, वैसे वैसे ठंड का एहसास हो रहा है कि राजस्थान में ठंड बहुत कम थी, बट यहाँ ठंडा मौसम है। जैसे जैसे डेली पास आ रही है ना, तो ठंड का एहसास होने लग गया है कि हाँ मौसम ठंडा है, क्योंकि राजस्थान में इतनी ठंड नहीं थी, माउंट आबू में भी ज़्यादा नहीं थी, रात को थोड़ी होती थी, दिन में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो दिन में भी बड़ी ठंडी है। अब यहाँ तक आके मुझे लग रहा है कि हाँ अभी नॉन स्टॉप में 270 किलोमीटर होगा मेरा घर तक, नॉन स्टॉप में कर जाऊंगा। अभी तक लिटरली एक भी स्टॉप नहीं लिया। जब निकलने लगा था तो मैंने जयपुर से एक बार टैंक फुल करवा लिया था, तो उसके बाद तब से लेके अभी तक नॉन स्टॉप बाइक चल रही है, एक भी स्टॉप नहीं। विपी, यस, देखो मेरी शेडो देखो कितनी सही लग रही है। Porsche 911, क्या कूल लग रही है, जबरदस्त। सो यहाँ पे थोड़ा सा जाम आ गया, आगे जाके बात करते हैं आपसे। अभी हम गए थे दिल्ली से, हम गए थे दिल्ली से 40,109 किलोमीटर के ऊपर, अभी हुए 42,109, हमारा घर रह गया 1 किलोमीटर दूर। तो ये राइड हुई 2,001 किलोमीटर के सगन के साथ पूरी। सो, कुछ बात करना चाहूँगा बेसिकली जिस जगहों पे मैं गया, जैसे नाथवाड़ा हो गया, और आपका गुरु शिखर हो गया, और आपका कुंभलगढ़ हो गया। यहाँ इन जगहों के साथ कई लोगों के ना सेंटिमेंट्स भी जुड़े होते हैं, राइट। तो बाई मिस्टेक, इन केस अगर मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो, या जिनसे मैंने
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, उन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी उसके लिए सॉरी, उनकी बात को इग्नोर करना और जो सही इन्फॉर्मेशन हो वो वहाँ के बारे में आप डाल देना ताकि मैं भी जान जाऊँ और दूसरे भी जान जाए, और वो कमेंट में पिंग भी कर दूँगा। सेकेंडली अब आपको क्या करना है, इस सीरीज़ में आपको अगर मज़ा आया हो तो अपने दिल से वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना अच्छा सा। मैं जितनी भी वीडियोस मेरी चलती हैं, जैसे जोन सी भी सीरीज़ चलती रहती है, तो सीरीज़ का ना मैं एक कॉमन लिंक बनाता हूँ, तो मैं अब एक काम करूँगा जितनी भी सीरीज़ हैं उन सब के कॉमन लिंक जो है वो भी साथ में डाल दूँगा ताकि आराम से वो कोई ना कोई वो देख सके, मतलब सीरीज सारी पूरी देख सके, राइट। सो यार रेड लाइट हो गई ना, चलो एक काम करते हैं, आप वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरह के किसी और ट्रिप पे निकलेंगे या कहीं लोकल की कुछ बनाएंगे, आपको जल्दी मिलेगी इन्फॉर्मेशन। कश्मीर वाली सीरीज़ चल रही है, आज व्लॉग आना था लेकिन वो नहीं आ पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रिप पे था, ये एक या दो दिन में वो ब्लॉग आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय बाय, जय भारत, बाय।